वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 61, जहां पर हम देखेंगे शुड हैव थर्ड फॉर्म का एक्टिव और शुड हैव थर्ड फॉर्म का जो पैसिव सेंटेंस है वो कैसे बनाया और बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर एक्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो शुड हैव थर्ड फॉर्म जब भी यूज किया जाता है तो उसकी हिंदी क्या निकलती है? चाहिए था। और अगर इसके पैसिव सेंटेंस की बात करें तो हमारी हिंदी क्या हो जाएगी? जाना चाहिए था। जहां पर एक्टिव में क्या होगा कि मुझे बात करनी है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए था, और पैसिव में सेंस क्या निकलेगा कि मेरे द्वारा ऐसा काम किया जाना चाहिए था। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जाना चाहिए था किसी वर्ब के बाद में लिखा रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए थी, मम्मी के द्वारा ताजा भोजन बनाया जाना चाहिए था, पापा के द्वारा पैसा जमा किया जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था वर्ब के बाद में लिखकर आएगा। अगर हमने बात एक्टिव की है तो सबसे पहले में क्या रखना होगा? सब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी? शुड हैव। इसमें भी सारे स्ट्रक्चर बनने होंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना कि हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये फिक्स रहेगा, ये सारे स्ट्रक्चर में ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना। यानी अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो इसी शुड के ठीक बाद हमें क्या लगा देना होगा? नॉट। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो हमें शुड को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। और अगर बात पैसिव सेंटेंस की जा रही है तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिख के रखा है, बाकी इसमें भी सारे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो पहला स्ट्रक्चर माइंड कीजिए, सबसे पहले क्या रखा हम लोगों ने? ऑब्जेक्ट। इसके ठीक बाद क्या रखा हम लोगों ने? शुड हैव। और उसके बाद क्या रखा गया? बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। और सेंटेंस का जो ये पार्ट है, हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये फिक्स हो जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर में ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना। यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो जो नॉट है वो कहां लगा जाएगा? शुड के ठीक बाद। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुड को हमें ऑब्जेक्ट के पहले रखना होगा। यानी सेंटेंस का ये पार्ट किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं बदलने वाला, इस बात को आपको माइंड करके चलना है। अब फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपसे कहा होता कि आपको पैसा कमाना चाहिए था, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का हो गया। अब अगर ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है तो इसको आपको एक्टिव से बना लेना है। सबसे पहले हमें क्या रखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया? हमारा यू। इसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी है? शुड हैव। उसको भी आप यहां पर ऐड कर दीजिए। अब हमें रखनी है यहां पर क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर हमारी जो वर्ब थी वो क्या थी? अर्न। तो आपको माइंड करना है कि आपको यहाँ पर अर्न नहीं लिखना है, आपके यहाँ पर क्या लिखना होगा? अर्नड, earned। और ये क्या होगी? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट को ऐड कर दीजिए, और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या था? मनी। तो हमारा सेंटेंस बन चुका है यू शुड हैव अर्नड मनी, और हिंदी क्या निकलेगी? आपको पैसा कमाना चाहिए था। अब फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव किया होता तो पैसिव बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कि आपके द्वारा पैसा कमाया जाना चाहिए था। अब आप ध्यान से देखें तो आपके सामने जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये हमारा किसका हो गया? पैसिव का सेंटेंस हो गया कि आपके द्वारा पैसा कमाया जाना चाहिए था। अब अगर सेंटेंस पैसिव का है तो इसको पैसिव से बनाइए, और सबसे पहले क्या रखना है आपको? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या थी? कमाना। क्या कमाया जाना चाहिए था? पैसा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले आपको इसी को ऐड करना है, तो क्या लिखा हमने? मनी। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है? शुड हैव बीन। तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, शुड हैव बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है? थर्ड फॉर्म। तो फिर से यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? अर्नड। और बाई के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर यू। तो सेंटेंस क्या बना? मनी शुड हैव बीन अर्नड बाय यू, आपके द्वारा पैसा कमाया जाना चाहिए था। इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी शुड हैव कुक्ड फूड, तो हिंदी क्या होगी? कि मम्मी को भोजन बनाना चाहिए था, एंड फूड शुड हैव बीन कुक्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा भोजन बनाया जाना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, आपको सच बोलना चाहिए था, एंड द ट्रुथ शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू, आपके द्वारा सच बोला जाना चाहिए था। He should have repaired my computer, उसे मेरा कंप्यूटर सुधारना चाहिए था, and my computer should have been repaired by him, उसके द्वारा मेरा कंप्यूटर सुधारा जाना चाहिए था।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।